एक निजी विद्यालय में प्रिंस जी वेलफेयर ट्रस्ट साहित्यिक समारोह का आयोजन किया गया। तेरे चरणों में श्रद्धा के अर्पण सुमन करूं, सौ सौ नमन करूं, माँ मैं तुझको सौ सौ नमन करूं। लगभग 3 दर्जन कवियों को प्रिंस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा राष्ट्र साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया। लगभग 2 दर्जन कवियों को प्रिंस जी साहित्य सम्मान दिया गया। रविवार को कस्बे के चंदन नगर स्थित एक निजी विद्यालय में प्रिंस जी वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले कागरौल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। स्वर्गीय प्रिंस सोलंकी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, जिनको याद कर साहित्य सम्मेलन कराया गया। साहित्यकारों के साहित्य के शब्दों को सुनकर श्रोताओं ने उनकी कविताओं को खूब सराहा और तालियां बजाई। तालियों की गड़गड़ाहट से साहित्यकारों का उत्साहवर्धन हुआ। मुख्य अतिथि MLC शिक्षक डॉक्टर आकाश अग्रवाल, ग्राम प्रधान पति चौधरी बच्चू सिंह सोलंकी और ट्रस्ट संस्थापक प्रबल प्रताप सोलंकी ने फीता काट कर उद्घाटन किया, जिसके बाद मां सरस्वती के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर स्वागत गीत के साथ बालिकाओं ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कागरौल के कस्बा में प्रथम बार में विशाल साहित्य कवि महोत्सव का आयोजन हुआ। दूर दराज से पधारे साहित्यकारों ने महफिल की शोभा बढ़ाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, दिल्ली, कर्नाटक जैसे भारत के आधा दर्जन राज्यों के साहित्यकारों कवियों ने भाग लिया। आपका परिचय? मैं चंद्रवीर सोलंकी निर्भय प्रिंस जी वेलफेयर ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ। आज कवि सम्मेलन किस उपलक्ष्य में कराया गया? दरअसल हमारा प्रिंस जी वेलफेयर ट्रस्ट का उद्देश्य है गरीब लोगों तक पहुँचना और उसके प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमने ये काव्य समारोह रखा है। कहाँ कहाँ से कितने लोग आए हैं इसमें? हमारे महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहे थे यहाँ? मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी थे, वो MLC हैं और शैक्षणिक संगठन के अध्यक्ष भी। जी, हर वर्ष कराया जा करेगा? जी, हमारा लक्ष्य है कि हम हर साल गाँवों में जाकर एक कार्यक्रम कराएं ताकि युवाओं को प्रोत्साहन मिले। कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य हमारा है हिंदी को बढ़ावा देना, साहित्य को बढ़ावा देना और गरीबों की मदद करना। युवा खा गई चैन अमन अमन गुल को चमन के काम आएगा, सलामत रखो हर गुल को चमन के काम आएगा, मोहब्बत भाई चारा ही अमन के काम आएगा। इतना भव्य आयोजन करने वाले भैया फ्रेंड्स के
नहीं अच्छी नहीं होती ये फिदरत छोड़ दो साहिब, नहीं अच्छी नहीं होती ये फिदरत छोड़ दो साहिब, बस्तियों को जलाने की ये कसरत छोड़ दो साहिब, मोहब्बत जो करो